नमस्कार, मैं पूजा पांडे स्वागत करती हूं आपका हमारी खास पेशकश राष्ट्र दरबार में। तो चलिए डालते हैं नजर आज की मुख्य खबरों पर। सबसे पहले रुख करते हैं आज की सुर्खियों का। हमारी आज की सबसे पहली खबर है भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते राजनीतिक संबंधों को लेकर। अमेरिका और भारत की बढ़ती साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका के प्रतिष्ठित लीजल ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को इस सम्मान से नवाजा। अमेरिका में भारतीय एम्बेसडर तरनजीत संधु ने पीएम मोदी की तरफ से इस सम्मान को ग्रहण किया। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा इस बार ये अवार्ड ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और पूर्व जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे को दिया गया। रुख करते हैं अगली खबर का, जो कि देश में जारी किसान आंदोलन से जुड़ी है। केंद्र में सत्तारूढ़ राजग के घटक दल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने किसान आंदोलन पर बयान देते हुए कहा, अगर केंद्र ने प्रदर्शनों के आगे झुककर उन कानूनों को वापस लेना शुरू कर दिया जिन्हें संसद में पारित किया गया है, तो संसदीय लोकतंत्र और संविधान बहुत बड़े खतरे में पड़ जाएगा। अब बात करते हैं आज की अगली खबर की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछली शताब्दी में मतभेदों के नाम पर बहुत समय पहले ही जाया हो चुका है। उन्होंने कहा कि अब समय नहीं गंवाना है और सभी को एक लक्ष्य के साथ मिलकर नया भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाना है। साथ ही आपको बता दें कि 56 साल बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को संबोधित किया है। इससे पहले 1964 में तत्कालीन प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री ने एएमयू को संबोधित किया था। अब रुख करते हैं हमारी आज की मुख्य खबर की ओर। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है। बीते दिन मुख्यमंत्री और टीएमसी अध्यक्षा ममता बनर्जी ने बीजेपी को धोखेबाज पार्टी बताते हुए कहा, वह राजनीति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पार्टियों के वार पलटवार के बीच सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी पार्टी की उपलब्धियां गिनाई और बीजेपी पर हमला बोला। सीएम ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में कोई विकास नहीं होने के आरोप पर अमित शाह से कहा कि आप गृह मंत्री हैं, आपको झूठ बोलना शोभा नहीं देता। वह कहती हैं कि कल झूठ का पुलिंदा बंगाल की जनता के सामने पेश किया गया। उन्होंने दावा किया कि हमारा राज्य उद्योग में शून्य है, लेकिन हम उसमें नंबर एक हैं। यह भारत सरकार की रिपोर्ट का ही कहना है। इसके साथ ही ममता ने कहा कि हम CAA और NRC के खिलाफ हैं। किसी को भी देश छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। मैं गृह मंत्री अमित शाह के आरोपों का जवाब बहुत जल्द दूंगी। केंद्र सरकार लोगों में भ्रम फैला रही है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह एक विशेष समुदाय का होकर बात कर रहे हैं, उन्हें झूठ बोलना शोभा नहीं देता है। बीजेपी एक धोखेबाज पार्टी है, राजनीति के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। वे नागरिकों के भाग्य का फैसला नहीं कर सकते, उन्हें अपनी किस्मत खुद तय करने दें। ममता के इस बयान ने एक बार फिर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि वह CAA और NRC का सपोर्ट नहीं कर रही हैं। क्या वे चाहती हैं कि एक बार देश में फिर से दंगे हों, या यह उनकी एक विशेष समुदाय को लुभाने की वोट बैंक की राजनीति है? क्योंकि हमने देखा था कि CAA और NRC के बाद देश में किस तरह दंगे हुए थे। खैर, हमारी आज की राष्ट्र दरबार में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे ऐसी ही अन्य खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।